हनुमान एंजॉय कर रहे हैं सर, क्या कहें? बहुत अच्छी मूवी, बहुत अच्छी मूवी, वेरी गुड। क्या खास लेके जा रहे हैं मन में हनुमान की मूवी? जय श्री राम। हनुमान जी को अपने हार्ट में लेके जा रहे हैं। जय श्री राम, बहुत अच्छा लगा। जय श्री राम। ऑडियंस को देखना चाहिए, फैमिली के साथ डेफिनेटली देखना चाहिए, मन को जो एक अच्छा लगता है। वैसे भी हमारे आजकल अयोध्या में इतना बड़ा 22 को इतना अच्छा महोत्सव मनाया जा रहा है राम जन्मभूमि का ना, तो उससे तो रिलेटेड बहुत ही अच्छा है, सबको देखना चाहिए, सबको दिए जलाने चाहिए। अच्छी रही हो, आदि पुरुष से थे, बहुत अच्छी थी। उसमें प्यार कर रहे हैं, दोनों में VFX थे पर VFX इसमें ज्यादा अच्छे थे, रियल भी था इसमें। जब हनुमान जी आते लगता है रियल आ गए हैं। अच्छा, कोई कोई ऐसी खास सीन जो आपको बहुत बढ़िया लगा? क्या अच्छा अच्छा तब वो जो भी दिमाग में, हाँ तब वो लास्ट में भी वो हनुमान जी उनसे मिले थे, तो वो अच्छा। अपने फ्रेंड्स को क्या कहना चाहोगे इस मूवी को देखने के लिए? अच्छी थी, आपको भी जाना चाहिए। मैंने तो देख लिया। एक बार जय श्री राम बोल दो। जय श्री राम। जय श्री राम। आपका कोई खास अनुभव, क्योंकि आपका जो तजुर्बा इनसे ज्यादा है, क्या कहेंगे मूवी के लिए? मैं तो बहुत अच्छा कहूँगी, वो भी सुनाई उन्होंने हनुमान चालीसा, वो बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। तो लगता है भविष्य में ऐसी और मूवीज आनी चाहिए, डेफिनेटली आनी चाहिए, इस तरह की होनी चाहिए, फैमिली के साथ देख सके, हम बच्चे भी इंजॉय करें, हमारे जो सीनियर सिटीजंस है, पेरेंट्स है, सभी को, सभी इंजॉय करें ना। सीनियर ऑडियंस का जो अनुभव होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। बिल्कुल, थैंक यू सो नाइस सर। हनुमान ऑडियंस इंजॉय कर रही है, हाउ इज योर एक्सपीरियंस फॉर हनुमान? वेरी गुड, वेरी गुड। हाउ स्टोरी लाइन, किस तरह से पोर्ट्रे किया गया चीजों को? बहुत अच्छी मूवी है। क्या चीज जो बहुत ही अच्छी लगी? एंड में जो दिखाया ना, एंड के जो 2 or 3 minutes थे, वो बहुत ही ज़्यादा ऑसम थे। फैमिली के साथ आना? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, फैमिली मूवी है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, लास्ट जो एंडिंग सीन था वो बहुत प्यारा था। हर किसी की जुबान पे लास्ट वाला सीन, तो किस तरह से लेकर जा रहे हैं? लास्ट सीन बहुत इपिक है, बहुत बढ़िया है। और अगर कंपेयर करें जो पार्ट आएगा 2025 में आएगा इसका अगला पार्ट, और जो विजुअल्स है अगर उससे कंपेयर करें, जो आदि पुरुष आया था उससे बहुत बढ़िया विजुअल्स है इसके। एक्टिंग वाइज जो मेन लीड में है, अगर जो मेन लीड में है अगर वो थोड़ा सा तगड़ा पर्सन होता, लाइक प्रभास टाइप, थोड़ा सा बोल्ड होता तो ज्यादा बढ़िया होता, क्योंकि हनुमान जी पे वो थोड़ा सा यू नो प्रभास ने क्या कर सकते तो प्रभास के आदि पुरुष आगे, तो ये भी बहुत डेयरिंग वाला, मतलब एक हिम्मत वाला करेक्टर जो उन्होंने पोर्ट्रे किया, उसके लिए कुछ बढ़िया था। एक्टिंग भी बढ़िया था, बस वही बॉडी वाइज थोड़ा फिजिक बढ़िया हो सकता था। हाँ जी, जय श्री राम। ग्राफिक्स पे ज्यादा काम हुआ है, वो कुल मिलाकर के ठीक है मूवी, ऐसा नहीं लगता है कि फैमिली देख सकते हैं मूवी। हाँ, फैमिली मूवी, ऐसा तो नहीं, अच्छी है स्टोरी। खास चीज जो बहुत अच्छी लगी मूवी की? अच्छी है पिक्चराइजेशन, काफी अच्छी है कुल मिलाकर के, जो एक साउथ का टच होता है पूरे गांव का, कल्चर का, ट्रेडिशन का, रिलीजन का, वो सब कुछ है इसमें, ऐसा तो इमोशन एक हम हाँ। भगवान श्री राम, बिल्कुल उससे तो बिल्कुल कनेक्ट करती है, जैसे रोंगटे खड़े कर देने वाला है ना पूरा एक्सपीरियंस हनुमान जी का। हाँ, नहीं देखी वो देख ले। हाँ जरूर देखें, अच्छी है फिल्म, अच्छी मूवी। मतलब और हम मूवीज देखते हैं जो बच्चों के साथ नहीं देख सकते, तो सुपर हीरो हमारे हनुमान जी। हाँ उस हिसाब से तो मतलब कंप्लीट मूवी है, ऐसा तो नहीं है, पैसा वसूल है। थैंक यू सो मच जी हनुमान के लिए। बहुत अच्छी में लगी मूवी, मुझे बहुत बढ़िया लगी है, सबको देखनी चाहिए। अच्छी है। हाँ जी, यार हनुमान की बड़ी, मतलब भगवान श्री राम के साथ हनुमान हमेशा होते हैं, तो तारीफ बहुत हो रही है एक्टर की, तो आप क्या कहें? बहुत अच्छी लगी है, सबको ये मूवी देखनी चाहिए। इंजॉय किया? हाँ जी बहुत ज्यादा, लगता है कि लोहड़ी सेलिब्रेट हो जानी चाहिए हनुमान देख के। हाँ जी मैम, 5 में से रेट कर रहा हूँ, 5 कर ले। हनुमान के लिए क्या कहेंगे? मेरे को ये मूवी बहुत अच्छी लगी, बेसिकली सबको हनुमान जी तो बहुत पसंद होते, मेरे को बहुत पसंद है, मेरे को बहुत अच्छी लगी, लगता है कि देख लेनी चाहिए। हाँ जी सबको देखनी चाहिए पूरी। सुपर हीरो कहा जा रहा है अभी, जो भी देख रहा है मूवी के अंदर भी सुपर हीरो बने हैं हमारे हनुमान जी, तो आपका क्या कहना उनके लिए? सुपर हीरो मतलब अब सबके लिए तो हनुमान जी सुपर हीरो ही होते हैं ना। जी जी जी, तो अच्छी। आउट ऑफ 5 करना हो? आउट ऑफ 5? 5 out of 5। क्या, थैंक यू सो मच। हाँ जी, क्या कहोगे हनुमान की? द बेस्ट मूवी है मेरे वालों, तो पेरेंट्स नू भी, अपने बच्चों नू भी लेके आके दिखानी चाहिए, बिकॉज हनुमान जी हैं, सब दे होंगे है ना, सब मानते हैं जो जो भी होंगे है ना, इसलिए सर तो यही बेस्ट, भी इन्नी बेस्ट मूवी है, तो फैमिली ने बच्चों दिखावे
ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨੀਮਲ ਔਰ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਮੂਵੀ ਆਈ ਥੀ ਸਲਾਰ, ਇਹ ਸਭ ਏ ਰੇਟਡ ਮੂਵੀ ਥੀ, ਤੋ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਜਬ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੂਵੀ ਆਤੀ ਤੋ ਹਮਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਤੀ ਕਿ ਉਸਕੋ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, मतलब एक तो अच्छी मूवी है और दूसरी बात ये है कि जो ये मूवी है हम फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ भी देख सकते हैं, जैसे कुछ और मूवीज़ होती है कि वह फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं, तो इसमें ये है कि हम फैमिली को लेके आ सकते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें मूवी के साथ पता लगती है। इसमें हमें क्या है, हमें तो अपनी मतलब फैमिली के साथ भी देख सकते हैं और हमें इससे नॉलेज भी मिलती है कि हनुमान जी की मूवी है। चाहेंगी ऑडियंस को इस मूवी के बारे में? इसमें ये था कि जो सेकंड पार्ट था वो बहुत ही अच्छा था, मतलब इंटरवल के बाद। हाँ जी, वो उसमें ये था कि उसके बताया गया था सारे, जैसे कि वो होता है अपने हनुमान चालीसा होती है ना, तो सब कुछ एक्सप्लेन किया गया था उसमें, बहुत अच्छा लगा था पार्ट। वाइब्स अच्छी आई? यस, बहुत अच्छा, जुड़े आप बहुत अच्छे। आउट ऑफ 5 करना? 5। थैंक यू, थैंक यू।